स्टार्ट। बोले धरती माता की जय, भारत माता की जय, स्वर्ग नगरी तीर्थ धाम विलायत कला की जय। नहीं रहेगा किसान तो नहीं होगा देश का सम्मान। वास्तव में किसान इस धरती माता का पुत्र है। धरती पुत्र किसको कहें हम? किसान को। क्योंकि किसान इतनी मेहनत करता है, इतने कष्ट सहता है। किसान भी एक तपस्वी है। जिस तरीके से बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, इसी तरह से किसान भी तपस्या करता है। उसकी तपस्या क्या है कि अनाज उगाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा। उसको तो कितना लगना है, एक किसान को साधारण ही लगेगा, लेकिन समाज के लिए, पूरे देश के लिए वो अनाज उगाता है। अब आज की एक बड़ी समस्या आ गई। आज का किसान व्यवसायी होता जा रहा है। व्यवसायी कैसे? बगैर खाद के वो अनाज नहीं उगा रहा, जबकि वास्तव में जैविक खाद की आवश्यकता है। जो अंग्रेजी खाद डाल डाल के किसान ने अपनी जमीन को बर्बाद कर दिया है। अगर हम लोग, हमारे जितने भी आप लोग बच्चे लोग बैठे हैं, सारे लोग अपने अपने घरों में, बात नहीं करिए, अपने अपने घरों में सिर्फ इतना संकल्प दिला दें अपने माता पिता को कि हम लोग गोबर की खाद की वहां पर खेती करेंगे, हम लोग गोबर की खाद डालेंगे, जो भी अनाज उगाएंगे उसमें जो है हम गोबर की ही खाद उपयोग करेंगे,